अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड सेमीफाइनल यूएई टाइम के मुताबिक 6 बजे होगा। और जैसा कि आपने सुना था कि शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान बुखार की वजह से ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं कर पाए थे, तो अभी वो दोनों फिट हैं और मैच के लिए इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। अभी तक अगर वर्ल्ड कप मुकाबलों की बात की जाए तो टोटल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 6 मैचेस हुए हैं, जिसमें 3 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 3 पाकिस्तान ने जीते हैं, लाइक इक्वल है दोनों। और अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अभी तक 23 मैचेस हुए हैं और 23 में से 12 पाकिस्तान ने जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं सिर्फ 9 मैचेस। तो इसमें पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी है। अगर की प्लेयर की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के दोनों ओपनिंग बैट्समैन जो बहुत फॉर्म में हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, ये दोनों की प्लेयर होंगे। और बॉलिंग में सेम शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ पाकिस्तान के लिए की प्लेयर होंगे इस मैच में। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो डेविड वार्नर जो फॉर्म में आ गए हैं, वो उनके लिए की प्लेयर साबित होंगे। डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श, एडम जम्पा जो बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं, और उनके फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड, वो की प्लेयर साबित होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। और अगर टीम चेंजेस की बात की जाए तो दोनों टीम स्टिक करेंगे अपनी प्लेइंग 11 के साथ जो प्रीवियस मैचेस में खेले हैं, तो कोई भी चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है इस मैच में। आप सब भाइयों से गुजारिश है कि क्रिकेट अपडेट्स के लिए ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।